नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे कि जो आपका 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो कब आएगा और आपको वो रिजल्ट कैसे चेक करना है, इस बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपके सामने जो न्यूज है इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस दिन जारी होने का यह संभावना है, यह है लेटेस्ट जानकारी। इसमें देखो आपको क्या करना है कि जब भी रिजल्ट आए तो आपको ये वेबसाइट लगानी, और कोई वेबसाइट वो आपको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको rajeduboard.rajasthan.government.in ये आपको वेबसाइट लगानी, गूगल के अंदर जाकर के ये वेबसाइट सर्च करना। इसमें आपको आसानी से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी से ये नोट कर लेना, आपको उस समय जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस समय दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपको चेक करना। तो आपके सामने ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप अपना रिजल्ट क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे सामने यहाँ पे सोचना है कि आपका जो रिजल्ट है वो कौन सी तारीख को आएगा। तो देखो मेन में आपको तारीख के ऊपर लेकर चलता हूं यहाँ पे कि जो गोविंद सिंह डोटासरा जी जो हमारे शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा कि रिजल्ट 45 दिन में घोषित किए जाएंगे। तो 45 दिन का मतलब लगभग आपके 2 जून को आपको पता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई और अभी आपके 10 तारीख तक आपके प्रैक्टिकल करवा दी गई। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो लगभग यहाँ पे यही बात सामने आ रही है कि सभी राज्य बोर्डों को 31 जुलाई 2021 तक अपने कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित करने का आदेश जारी किया था। तो ये तय माने यहाँ से कि 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट न्यूज है। तो 31 जुलाई तक आपका न्यूज आ जाएगा, इससे ज्यादा कोई लेट नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट आपकी 31 जुलाई है, या फिर ये भी देखा जा सकता है यहाँ पे कि जो अगस्त है इस अगस्त का जो आपके फर्स्ट वीक होगा उस फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। या तो 21 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा या फिर 31 जुलाई को नहीं आता है तो फर्स्ट वीक आपके अगस्त का है उसके अंतर्गत आपके रिजल्ट आने की बिल्कुल संभावना बनती है। तो मैंने यहाँ पे आपको वेबसाइट बता दी, वो वेबसाइट आप नोट कर लेना, जैसे रिजल्ट आता है तो उस वेबसाइट के ऊपर आप इस अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हो।